Hello guys, I'm Lajishtli. Welcome back to my channel once again. I hope you will see me in the next video. Aap sabhi ko namaste. Swagat hai aur ek meri nayi vlog pe. Okay, so abhi aap log dekh sakte ho ki meri piche ka scene dekh ke aapko pata chal gaya hoga ki main kahan ja rahi hu. Main abhi walk pe ja rahi hu and abhi hum log ka yahan par raat ka 7:30 baja hua hai, but यहाँ पर अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है एंड यहाँ पर बहुत लोग वॉक पे जा रहा है एंड कितना प्यारा प्यारा डॉगीज, ओह माय गॉड, इतना प्यारा प्यारा डॉगीज लेके जा रहा है एंड मैंने सोचा कि सुबह से मैं व्लॉगिंग करूं बट मुझे टाइमिंग नहीं मिला क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था. सो मैंने सोचा क्यों ना, अभी भी नॉट लेट, तो मैंने सोचा कि अभी मैं व्लॉग शूट करूँगी क्योंकि इसके बाद मैं अब लोगों को मेरा मुझे कुछ गिफ्ट्स मिला है जो कि मेरा यहाँ का एक बहन ने दिया है एंड मेरा एक फ्रेंड ने दिया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी. ऑनलाइन सामान है कपड़ा, सो मैं वो दिखाऊँगी और या फिर आप लोग कंटिन्यू मेरा व्लॉग देखना. एंड यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं रहती हूँ उस तरफ, आप लोग समझ लेना, उस तरफ रहती हूँ. तो मैं अक्सर मेरा घर का पीछे जो लेक्चर है वहीं पर वॉक करती हूँ, बट आज इसने कुछ नया जगह लेके आया है. इसने जो देख सकती है, इसने मतलब मेरा बहन ने नया जगह पे लेके आया है एंड यहाँ पर बहुत प्यारा प्यारा व्यू, इतना प्यारा प्यारा सीन. आप मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कहीं नया देश क्या बोलते हैं देश में आया हूँ एंड क्योंकि उस तरफ तो मतलब एक नॉर्मल सा दिखता था बट यहाँ पर इतना प्यारा प्यारा सीन मैं दिखाती हूँ एक बार आप लोगों को. आपको पता चला कि ये आसमान है कि पानी है? नहीं, राइट, क्योंकि मुझे भी पता नहीं चला कि ये पानी है कि आसमान है, क्या है नहीं समझ में आ रहा है. यहाँ पर लोग, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, यहाँ पर अभी 7:38 बजने को है फिर भी देख सकते हो आप कि रात नहीं हुआ है. और यहाँ का आप इसमें ना आप बता नहीं सकोगे कि कौन सा आसमान है और कौन सा पानी है. और अभी तो चलो 8 बजने वाला है, अभी मतलब बहुत लोगों ने बोला कि यहाँ पर 10 भी बजता है ना फिर भी अंधेरा नहीं होता. और समर भी आई थिंक ऑलमोस्ट आ ही गया जैसा ही है, बट अभी नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ का वेदर जो है कभी ऐसा लगता है कि हाँ समर आ गया, कभी ऐसा मतलब डिफरेंट होते रहता है. एंड यहाँ पर बहुत ही प्यारा सरप्राइज देने वाला है, मेरे को पता चल गया कोई सरप्राइज देने के लिए ये डेकोरेशन कर रहा है. विल यू मैरी मी बोल के लिखा है शायद ना यहाँ पर, सरप्राइज देगा. वाओ देखो कितना प्यारा, विल यू मैरी मी बोल के, वाओ लकी गर्ल जिसको भी ये सरप्राइज मिलने वाला है कि विल यू मैरी मी बोल के. आई एम श्योर किसी एक लड़की को अभी सरप्राइज देने वाला है अपना गर्लफ्रेंड को. एंड या अब यहाँ से देख सकते हो सीएन टावर गिलेंगे मीन तेंगा था जाना जंगला, देख सकते हो ये है सीएन टावर. यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, कौन मतलब कितना लकी है ना कि विल यू मैरी मी बोल के ऐसा. मोना दिले गा दिले. एंड यहाँ पर हर इंसान के पास डॉगी है, इतना प्यारा प्यारा. देखो यहाँ पर भी दो, देख कैसे खेल रहा है, ओह माय गॉड कितना प्यार से खेल रहा है. और यहाँ पर डॉग लोगों को तो इतना अच्छा ड्रेस मिलता है. काश
मेरा 3 बच्चा भी यहाँ होता तो यहाँ पर खेल रहा होता। एंड यहाँ पर भी देखो डॉगी लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हर इंसान के पास डॉग होते हैं, हर इंसान के पास। वाह कितना प्यारा। सो एनीवेज मैं घर जाके दिखाऊंगी जो मुझे या और मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं कब से मैंने सोचा कि मैं बोलूं भूल जाता है मेरे दिमाग में कि जब से हम आए हैं यहाँ पर हम लोग का मतलब हम लोग का वहाँ पर ऐसा होता है, हम लोग का गांव में जो भी लाइक स्कूल से आए या आर्मी से आए या कहीं से भी आए लोग, जब हम लोग का गांव से बाहर जाके वापस आता है तो ना आदमी लोग घर पे क्या बोलते हैं कोंगा अंडा जूस ये सब लेके आता है। एंड एक हम लोग का रिवर्स जैसा है, तो यहाँ पर भी जब हम लोग आया था यहाँ पर बहुत लोग आया था घर पे, बहुत लोग लाइक जूस चावल और आटा ये सब लेके आया था, मतलब इतना मीट चिकन क्या 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 लेके आया था। सो उन सभी को मैं जा फोन दिया, अगर मेरा गलती से भी फोन इधर गिर गया तो माय गॉड नहीं मिलेगा। तो उन सभी को मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, जो कि जब हम लोग आया था तो सब लोग ने मतलब बहुत कुछ ला के दिया हमें, थैंक यू सो मच, और जो जो हम लोगों को मिलने आया था। एंड या तो फिर अभी मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी जो मेरा बहन ने मेरे को कुछ ड्रेस गिफ्ट किया है, सो मैं वो घर जाके दिखाऊंगी। अभी मैं बस यहाँ का व्यू का एंजॉय कर रही हूँ, सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब मैं घर पहुँचूंगी। ओके बाय बाय। ओके सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे मेरी बहन ने और मेरे दोस्त ने मुझे कुछ ऑनलाइन का मतलब शॉपिंग गिफ्ट दिया था जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड ये जो पैकेट है ना, ओ माय गॉड, मैं ये वाला नाम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं इंडिया में जब ये ब्रांड जो शीन ब्रांड जो बैंड नहीं हुआ था तो मैं हर रोज इसी ऐप से शॉपिंग करता था, जो कि लाइक काइंड ऑफ अपना अपना एक होता है ना कि जैसे कि अपना अपना पर्सनैलिटी में देख के एक ड्रेस होता है, जो कि मेरा पर्सनैलिटी में ना ये ड्रेस जो बहुत ज़्यादा फिट करता है। सो मैं हमेशा ना बाहर से ऐसे मॉल वॉल से मैं ना क्या बोलते हैं ड्रेस ज़्यादा नहीं लेता था, मैं ना हमेशा यही ऐप से ड्रेस और जो भी व्हाटएवर जो मुझे चाहिए होता है यही ऐप से लेता था। बट ये ऐप जो है क्लोज लाइक शट डाउन हो गया था, मतलब बैन कर दिया था, तब से लेके अभी लाइक आफ्टर एज में ये कपड़ा मैं देख रही हूँ, ये ब्रांड देख रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरा बहन एंड मेरा दोस्त जिसने मेरे को गिफ्ट किया है। सो मैं आप लोगों को पहन के दिखाना आई थिंक बेहतर होगा, राइट? सो मैं आप लोगों को एक एक पहन के दिखाती हूँ। सो पहले मैं ये पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, ये है जंपसूट, बट इतना लंबा यहाँ का लोग सच में बहुत लंबा है। एंड यहाँ पर जब भी मैं शॉपिंग जाती हूँ मतलब मेरे साइज का तो पैंट ही नहीं मिलता, मतलब हम लोग का लुक होता ना कि थोड़ा 5.2, 3, 4, यहाँ पर तो इतना लंबा लड़का तो लंबा हो गया ही होगा ऑब्वियसली, तो लड़की भी इतना लंबा मेरे को ऐसा देखना पड़ता है। एंड देखो यहाँ पर इतना मतलब इतना लंबा आया है, बट ये एक मैं सोचे पहन के दिखाऊं, बट मेरे को बोर लग गया इतना लंबा देख के। बट एनीवेज मैंने मुझे ये एक गिफ्ट दिया है एंड ये पैंट दो जो कि मैं दोनों साथ में दिखा रही हूँ, बट दोनों अलग अलग लोगों ने दिया है। ये पैंट
एंड मुझे ना, मैं वैसे ऐसा वाला पहन नहीं पहनता, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देखती हूँ क्योंकि इंडिया का ड्रेसअप अलग होता है और यहाँ का ड्रेसअप अलग होता है, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ लड़के लोग इतना, मतलब यहाँ से टाइट करके और यहाँ से ये लूज करके ना, यू नो, तो मेरे को बड़ा पसंद आया मेरे को ना, तो फिर मैंने ये ऑनलाइन से ये वाला मैंने चूज किया है। एक्चुअली चूज ये सब मैंने किया है बट पे किसी और ने किया है। एंड समर का ड्रेस बहुत ज्यादा मैंने मंगा लिया है। ये एक टॉप एंड ये है पैंट, ये ऐसा समर कब आएगा, मेरे को पहनने का मन कर रहा है। ये एक एंड ये है नाइट ड्रेस, ये पैंट एंड ये टॉप, ये नाइट ड्रेस है। सब मैंने नीचे फिट एंड ये है स्कर्ट, मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला, बहुत स्पेशली बहुत प्यारा लगा। कब पहनने मिलेगा, माय गॉड, ये स्कर्ट एंड ये मैंने, सॉरी बट मैंने पहन चुका है एंड मैंने इंस्टाग्राम में भी अपना वीडियो शेयर किया है, सो ये वाला ड्रेस मैंने पहन लिया है। मैं फोटो लगा दूंगी, मैंने सोचा ये सब ट्राई करके आप लोगों को दिखाऊं बट मेरे को बोरिंग लग गया, लाइक सॉरी बट मैं ऐसे ही दिखा दूंगी। और ये भी एक आई थिंक जंप सूट है, हाँ यस। ओह माय गॉड, इतना लंबा लंबा, बट ये क्वालिटी वाइज एंड ये बहुत प्यारा है। ये एक एंड फिर से नाइट ड्रेस, ये पैन, ओके ये पैन एंड ये वाला ऐसा, ये एक ये पैन हाई वेस्ट, कैसे दिखूं, ये वाला पैन और ओ ये मेरा पार्टी ड्रेस है, पर पार्टी कब जाने मिलेगा नो आइडिया, बट ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा सो मैंने मंगा लिया है एंड कब पहनने को मिलेगा। एंड ऐसा वाला सेम टू सेम ब्लैक कलर का मैंने पहना हुआ है जब मैं इंडिया में था, बट मेरे को ये वाला कलर बहुत ही पसंद आया तो मैंने ले लिया, बट डिजाइन थोड़ा सा अलग है बट सेम टू सेम मेरे पास ब्लैक है। जब भी मैं अभी तक तो यहाँ आके मैंने पार्टी एक बार भी अटेंड नहीं किया है, एक बार भी नहीं किया, बट मैं जब भी मैं जाऊंगी तो पहला ड्रेस मेरा ये रहेगा। लास्ट टॉप, अच्छा ये टॉप एंड ये नाइट ड्रेस जो कि मैंने ऑलरेडी पहन लिया है। तो ये इतना ज्यादा कपड़ा, थैंक गॉड मेरे को शॉपिंग करने नहीं पड़ा एंड मेरा खर्चा बच गया। थैंक यू सो मच मेरा बहन और मेरा दोस्त जिसने भी मिलके मेरे को ये वाला ये कपड़ा गिफ्ट किया है, थैंक यू। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये व्लॉग जो है बहुत लंबा जाने वाला है, आई नो, तो इसलिए मैं ज्यादा बकवास नहीं करती हुई यहीं पर स्टॉप करूंगी। बाय बाय, गुड नाइट।